राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्भया कांड के बाद जब से यह किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद से बच्चियों की रेप के बाद हत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। रेप करने वाला देखता है कि कल यह मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देते हैं। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि देश में बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वह बहुत चिंताजनक है। वैसे आप देख रहे हैं कि बेरोजगार बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, वहीं असामाजिक तत्व भी बहुत बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में क्राइम भी बढ़ रहा है, हिंसा भी बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा कर रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, तो कहीं बच्चियों से रेप हो रहा है, इससे क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता वाली बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में हर साल करीब 2000 बच्चियों से रेप हो रहे हैं। जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले 4091 केस दर्ज किए गए। वहीं दो साल में महिलाओं से रेप के कुल 11368 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे दो सालों में 26 मामले ऐसे हैं जिनमें रेप के बाद हत्या कर दी गई है। तो वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने का कानून बनाया था। वहीं सीएम गहलोत ने नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा करने के प्रावधान के बाद बच्चियों की हत्या के मामले बढ़ने का बयान दिया है। यह बात पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। तो वहीं बीजेपी राज में जिस समय विधानसभा में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान वाला बिल लाया गया था, उस बिल पर बहस के दौरान कई विधायकों ने रेप पीड़ित बच्चियों के मर्डर के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।